हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। अलजेब्रा का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आज इसका लास्ट लेक्चर है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट की मेथड ऑफ माइनर से, यानी कि हमने माइनर फाइंड आउट किया। माइनर क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट को ही हम माइनर बोलते हैं, और माइनर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हो। तो जितने भी ऑर्डर का माइनर नॉट इक्वल टू जीरो आता है, वो उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और अगर वो आपके पास जीरो आ जाता है, देन हम माइनर फाइंड आउट करेंगे 2x2 का। जहाँ पे कम से कम एक माइनर भी अगर 2x2 का नॉन जीरो आ जाएगा, तो वो उस मैट्रिक्स का रैंक बन जाएगा। नेक्स्ट मेथड हमने किया था रो एकेलन फॉर्म एंड कॉलम एकेलन फॉर्म। रो एकेलन फॉर्म बनाते हैं तो रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कॉलम एकेलन फॉर्म बनाते हैं तो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। जहाँ पे आप कॉलम ऑपरेशन अगर अप्लाई करके कॉलम एकेलन मैट्रिक्स बना रहे हो और आप रैंक फाइंड आउट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप नॉन जीरो कॉलम्स चेक करते हो कि रो हमने मैट्रिक्स को रिड्यूस किया कॉलम एकेलन फॉर्म में, और फिर उसमें हम चेक करते हैं कि जितने भी नॉन जीरो कॉलम होंगे वो उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाता है। अगर आप रो एकेलन फॉर्म बना रहे हो तो हम नॉन जीरो रो चेक करते हैं। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद हमने मेथड किया था नॉर्मल फॉर्म। मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? किसी भी मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं IR 0 0 0 इस फॉर्म में, या फिर IR 0, या फिर IR अकेला भी हो सकता है, या फिर हम इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर दें। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, IR 0 0, इनका मतलब क्या है? यहाँ पे IR इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 0 इज़ द जीरो मैट्रिक्स, दीज आर ऑल जीरो मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स में एक जीरो भी हो सकता है, दो दो जीरोज भी हो सकते हैं, रो और कॉलम। ठीक है, तो IR जो आपके पास rth ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं, तो हम आइडेंटिटी चेक करते हैं कितने ऑर्डर की बन रही है। अगर R हमारे पास इसकी वैल्यू 2 आ जाती है, मीन्स I हमारा बन रहा है 2x2 ऑर्डर का, तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स हो जाएगा 2x2। ठीक है, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स को इन फॉर्म्स में रिड्यूस करना है, जो भी फॉर्म आपके पास बन रही है। फिर हम IR का ऑर्डर चेक करते हैं, जितने भी ऑर्डर का आपके आइडेंटिटी आती है, वही उसका रैंक बन जाती है मैट्रिक्स का। ठीक है, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं, हमारे पास चल रहा था एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपने पढ़ी थी, 6 टाइप की होती है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। आज हम करेंगे इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, और इसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। इन द नॉर्मल फॉर्म में रैंक फाइंड आउट करना है। इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, फर्स्ट एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या थी आपके पास? रॉ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, EIJ। ठीक है, अगर हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, तो आपके पास यही आएगा, EIJ ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड थी आपके पास, अगर हम ith रो को k नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ith रो को k नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स जब बनाते हो तो ऑपरेशन किस पे अप्लाई करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। जैसे हमने ये ऑपरेशन लिया कि किसी भी रो को हमने, यानी ith रो को, यहाँ पे i मेंशन है, तो ith रो को हम k से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर मैं इसका इनवर्स फाइंड आउट करूँगी तो ये आ जाएगा आपके पास REIK^-1। मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, REI 1/k। ठीक है, थर्ड ऑपरेशन था RE, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे बनाई थी हमने? EIJK, दैट मीन्स इसका इनवर्स निकालेंगे। इसका मीनिंग क्या था? jth रो को k से मल्टीप्लाई करेंगे और ith रो में ऐड कर देंगे। ओके, तो अगर हम इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा EIJ-k। सेम टू सेम ऑपरेशंस आपको जो आपके पास है कॉलम एलिमेंट्री मैट्रिक्स, सी ऑफ EIJ, मीन्स हम IJ कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास यही मैट्रिक्स आ जाएगी EIJ। ठीक है, फिफ्थ इज सी ऑफ EI इंटू K, इसका इनवर्स निकालेंगे तो बन जाएगी आपके पास मैट्रिक्स EIK इनवर्स,
मीन्स सी ऑफ ई आई वन बाय के, ठीक है। लास्ट आपके पास कॉलम ऑपरेशन था ई आई जे इंटू के, यानी kth कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, jth कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ith कॉलम में ऐड कर देंगे, तो इसका इन्वर्स अगर हम निकालते हैं तो ये आप आ जाएगा सी आई जे माइनस के, ठीक है। प्लस ए एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्राइसिस, ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्राइसिस, तो इस पर ऑपरेशन अप्लाई करके आप इसको पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 0 0 बनाते हैं, लीडिंग एलिमेंट का 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा R2 माइनस 2R1, एंड सेकेंड ऑपरेशन अगर हम अप्लाई करें R3 माइनस R1, देन यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ए जो मैट्रिक्स है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 2 माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा। सेकेंड रो में क्या चेंज कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस करेंगे, दिस इज 0, दिस इज 1, 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम माइनस कर रहे हैं, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज माइनस 2, और माइनस 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 0, ठीक है। यहाँ से माइनस करो 0, यहाँ से इसको माइनस करेंगे ऑल्सो 0, एंड यहाँ से इसको माइनस करेंगे 1 R3 माइनस R1 व्हिच इज 2, ये आ जाएगा आपके पास ए मैट्रिक्स, जो आपके पास इक्विवेलेंट आ जाएगी ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ पे 1 हमें चाहिए, हम इसको 0 बना लेते हैं, ठीक है। इसको 0 कैसे बनाएंगे, कॉलम फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कॉलम फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 माइनस कॉलम 2 माइनस 2 C1, यहाँ से हमारे पास ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 है तो ये एज इट इज़ रहेगा, दिस इज़ माइनस 1 0 2। अब हमें इसको भी 0 बनाना है, तो हम क्या करते हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास ऑपरेशन आ जाएगा कॉलम थर्ड प्लस C1, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 0, यहाँ पे ये एज इट इज़ है, इसको हमने इसमें ऐड किया, एंड दिस इज़ ऑल्सो ऐड करेंगे, 2 रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास 1 होना चाहिए, तो हम थर्ड कॉलम को 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑपरेशन आ जाएगा आर ले लो या फिर सी कॉलम ले लो, R3 भी ले सकते हो, ठीक है। R3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, तो R3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए मैट्रिक्स किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, दिस इज़ 1 0 0 0 1 0, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 1, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स को हमने ऑपरेशन अप्लाई करके जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया, ओके। हमें चाहिए एलिमेंट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्राइसिस, यानी ए को हम किस किस की प्रोडक्ट में लिखेंगे, तो यहाँ से जो ऑपरेशन हमने लगाए हैं वो देखिए, जो ऑपरेशन सप्लाई किए, फर्स्ट इज R2 माइनस 2R1, इनके एलिमेंट्री मैट्राइसिस बनाते हैं, सेकेंड इज R3 माइनस R1, नेक्स्ट इज कॉलम ऑपरेशन C1, यहाँ पे हमने C2 में चेंज किया ना, तो C2 आएगा, ठीक है, दिस इज C2 माइनस 2C1, एंड C3 प्लस C1, और लास्ट ऑपरेशन है रो ऑपरेशन R3 इंटू हाफ, ये हमने ऑपरेशन अप्लाई किए और ए मैट्रिक्स को रिड्यूस कर लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इनको हम चेंज करते हैं एलिमेंट्री मैट्राइसिस में, कैसे, R2 ऊपर हमने क्या किया, R1 को 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, R2 में ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई किया हमने, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो हमने क्या किया 2 1 इंटू माइनस 2, दैट मीन्स 1 फर्स्ट रो को हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड रो में ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसकी एलिमेंट्री मैट्राइसिस बन गई है, इसके बनाते हैं R रो ऑपरेशन अप्लाई कर रखा है, E ऑफ 3 में से हमें 1 माइनस किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, तो 3 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे हम इसको अप्लाई करोगे R3 प्लस माइनस 1 R1,
ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा आपके पास दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या आएगी, आर ऑफ ई थ्री, थर्ड हमें थर्ड रो को हाफ से मल्टीप्लाई किया है इंटू हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब कॉलम एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या बनेंगे, सी ई ऑफ टू वन माइनस टू। ठीक है, जो कॉलम आपने अप्लाई किया यहाँ पे टू वन माइनस टू टू, यहाँ से आपके पास नेक्स्ट आएगी कॉलम एलिमेंट्री मैट्रिक्स थ्री, यहाँ पे प्लस वन है तो थ्री वन वन, हमने यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट को और थ्री में ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगी कॉलम और रो एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब हम वापस ए मैट्रिक्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इन एलिमेंट्री मैट्रिक्स को अगर हम रो एलिमेंट्री मैट्रिक्स को ए से प्री मल्टीप्लाई कर दें और कॉलम एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस हमने निकाली इनको ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फर्स्ट जितने भी आपके पास रो एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं, आर ऑफ ई टू वन माइनस टू, सेकेंड इज मल्टीप्लाई बाय आर ई थ्री वन माइनस वन, एंड थर्ड इज आर ई थ्री हाफ। ठीक है, ये हमने लिया ऑल ऑफ मल्टीप्लाई कर दिया हमने रो ऑफ जब एलिमेंट्री मैट्रिसेस की और मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए से, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉलम एलिमेंट्री मैट्रिसेस से, सी ऑफ ई टू वन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय ई सी ऑफ ई थ्री वन। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसके इक्वल आएगी वैल्यू, हमारी किसके इक्वल आनी चाहिए, आइडेंटिटी, यानी कि ए पे हमने ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस ली तो इनके हमने प्री मल्टीप्लाई करवाया, कॉलम एलिमेंट्री मैट्रिसेस को पोस्ट मल्टीप्लाई करवाया तो रिजल्ट हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू, यानी ए को आपको लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ होना चाहिए एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ठीक है, कैसे लिखेंगे, अगर हमें इनके जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस लिए हमने जिनसे प्री मल्टीप्लाई किया है इनके इनवर्स से हम प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाई इनके इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई बाय रो एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर ऑफ ई टू वन माइनस टू, आर ऑफ ई थ्री वन माइनस वन, आर ई थ्री हाफ इसके इनवर्स से। ठीक है, इसके इनवर्स से हमने इसको प्री मल्टीप्लाई किया। ओके, ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी ऑफ कॉलम एलिमेंट्री मैट्रिसेस सी टू वन माइनस टू एंड सी थ्री वन वन, इसके इनवर्स से हमने इसको पोस्ट मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बाय ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट, अगर इसके इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इनवर्स हमारी खत्म हो जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी, वहाँ से हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारा ए रह गया। ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या है, अगर इसे पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास कैंसिल। ठीक है, राइट हैंड साइड पर आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को प्री मल्टीप्लाई करेंगे दिस नंबर, यानी इस आइडेंटिटी से टू वन माइनस टू, आर ऑफ ई थ्री वन माइनस वन, आर थ्री सॉरी आर ई थ्री हाफ। ठीक है, इसके इनवर्स से हमने आइडेंटिटी को प्री मल्टीप्लाई किया और इसके इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, ऑन बोथ साइड लिखा है ना, यहाँ पे लिख देंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसके इनवर्स से करेंगे हम आइडेंटिटी को पोस्ट मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा सी ऑफ ई टू वन माइनस टू इंटू सी ऑफ ई थ्री वन वन इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ए मैट्रिक्स चल रहा है, इनवर्स जब हम ओपन करते हैं तो हमारी लास्ट मैट्रिक्स सबसे पहले आती है आर ई थ्री, एलिमेंट्री मैट्रिसेस है ये चीज़ ध्यान रखना है, इसका इनवर्स, फिर सेकंड नंबर अगर ए बी सी का इनवर्स ओपन करेंगे तो ओपन होएगा सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, सेम टू सेम यहाँ पे थ्री एलिमेंट्री मैट्रिसेस है, सबसे पहले दिस एंड
आर ऑफ ए थ्री वन माइनस वन इनवर्स, फिर ये आ जाएगी आर ऑफ ई टू वन माइनस टू इनवर्स, ठीक है, इनटू आइडेंटिटी चल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड दिस इज, इसको ओपन करेंगे तो दिस एलिमेंट्री मैट्रिक्स थ्री वन वन इनवर्स, एंड ये आ जाएगा सी ऑफ टू वन माइनस टू। अब जब स्टार्टिंग में हमने जो फॉर्मूलाज किए थे वो यहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले ये किया था कि ई ऑफ, अगर हाफ ई रो ए आई के, अगर हमने इस पर इसका इन्वर्स निकाला था तो फॉर्मूला क्या लिया था, ई रो ऑफ ई आई माइनस के, यानी कि वन बाई के भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो ऑफ ई थ्री टू, समझ गए, इन्वर्स लेंगे तो वन बाई टू का अगर हम रिवर्स करेंगे तो टू। यहाँ पे जो कॉलम ऑपरेशन आपने अप्लाई किए हैं इनका ऑर्डर मेंटेन रखना भाई, यानी कि ये हमने थ्री वन ये ऑपरेशन पहले अप्लाई किया है, जो कॉलम सी थ्री वन वन, ठीक है, और सी टू वन माइनस टू, ये हमने इसके बाद अप्लाई किया है, तो जो पहले अप्लाई किया उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से, पहले आ जाएगा कॉलम सी टू वन माइनस टू का इनवर्स और देन ई थ्री वन वन इसका इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा रिजल्ट, अगर हम लगाते हैं इनवर्स का तो थ्री वन साइन चेंज हो जाता है, वन आ जाएगा, ओके। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो रो ई टू वन, इसका साइन चेंज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी, कॉलम टू वन माइनस टू का अगर ऑपरेशन इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो कॉलम ई टू वन साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, जो रूल मैंने सबसे पहले बताए थे वही यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। और इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो सी ई थ्री वन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास प्लस वन था तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। अब हम ए लेफ्ट हैंड साइड में हमारी ए मैट्रिक्स चल रही है, अब इनकी जगह पे आप एलिमेंट्री मैट्रिसेस लिख सकते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिसेस कैसे बनाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अगर हम जो ऑपरेशन आपके पास गिवन है ये अप्लाई कर देते हैं तो एलिमेंट्री मैट्रिसेस आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें निकालना हो दिस मैट्रिक्स तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे चल रही है, ठीक है, देन हमें निकालना है ई थ्री टू आर ई थ्री टू, इसका मतलब क्या है, ए हमारी थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की है, ठीक है, दैट मीन्स टू मल्टीप्लाई बाय किस किस को करोगे, थर्ड रो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी में, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए थ्री क्रॉस थ्री की, वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन, ठीक है। तो इसके इससे अगर आप निकालते हो एलिमेंट्री मैट्रिक्स आर ई थ्री टू, दैट मीन्स थर्ड रो को टू से मल्टीप्लाई करना है, देन दिस मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास, ओके। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 टू, समझ गए। तो एक इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा, इसके प्लेस पे पुट करेंगे हम वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 टू। नेक्स्ट आपके पास है आर ई थ्री वन वन, आर ई थ्री वन वन मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, आर थ्री में चेंज करना है, आर थ्री प्लस वन इंटू आर वन, आर थ्री और आर वन को ऐड करना है, समझ गए। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, सेकंड इज वन ज़ीरो, फर्स्ट चेंज होगा थ्री में तो दो तो आपके पास एज इट इज आ गए, फिर हमें आर थ्री और आर वन को ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन ज़ीरो वन। नेक्स्ट है आर ई टू वन टू, आर ई टू वन टू मीन्स इसका मीनिंग है आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे आर टू, आर टू प्लस टू आर वन, आर वन को टू से मल्टीप्लाई करो और सेकेंड रो में ऐड कर दो, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे टू वन टू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास इसका वैल्यू आ जाएगी वन ज़ीरो ज़ीरो टू वन ज़ीरो 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 वन,
ठीक है। अब हमें बनाना है कॉलम। कॉलम में आपके पास क्या गिवन है, सी ई टू वन टू, ठीक है। अब किसी भी मैट्रिक्स को आईएनटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आईएनटी मैट्रिक्स उसी में आपके पास मर्ज हो जाती है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, इसका मीनिंग है आपके पास कॉलम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाओगे, ऑपरेशन अप्लाई करोगे कॉलम के, कॉलम का क्या करना है, सेकंड कॉलम में ऐड कर देना है 2 × C1 को, फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसकी मैट्रिक्स बनेगी कॉलम सेकंड दिस इज, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, तो 1 2 0 एंड 0 1 0 0 0 1, ऐसे ही लास्ट वाला बनाओगे कॉलम 3 E31 -1, इसका मतलब है कि कॉलम फर्स्ट को -1 से मल्टीप्लाई करो और थर्ड में ऐड कर दो, ठीक है। कॉलम का की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कॉलम फर्स्ट को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉलम फर्स्ट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड में ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 0 -1 1 0 -1, बाकी सारा एज इट इज़ 1 0 0। तो ये आ गया आपके पास एलिमेंट्री मैट्राइसेस, और ए को हमने लिख दिया मल्टीप्लाई ऑफ ऑल एलिमेंट्री मैट्राइसेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है तो इसके आप क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कीजिए और इसका रैंक फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म हमने 4 पढ़ी थी, आई आर 0 0 या फिर आई आर 0 या फिर आई आर कॉलम में आ जाए या फिर अकेला आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको रिड्यूस करना है, तो इस तरह ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, रो या कॉलम ऑपरेशन, जिससे आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाए, चाहे 3x3 ऑर्डर की आ जाए, चाहे 2x2 ऑर्डर की आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, बाकी जितनी भी जगह आप 0 बना सकते हैं 0 बनाइए। ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, सबसे पहले इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें ऐड कर लेते हैं रो टू प्लस 2 रो 1, एंड सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रो थ्री माइनस रो 1। तो ए हमारे पास क्या बन जाएगी मैट्रिक्स 1 2 -1 3, फर्स्ट रो इज एज इट इज़, हमने सेकंड में चेंज किया है, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ऐड करेंगे 0, 4 एंड ऐड कर रहे हैं, तो 4 - 2 इज़ अ 2 एंड 6 दिस इज़ -1, और 3 में क्या चेंज हो जाएगा आपके पास, थर्ड रो में हम माइनस कर रहे हैं, तो 1 - 1 इज़ अ 0, 2 - 2 इज़ अ 0, दिस 2 एंड दिस इज़ अ -1, ठीक है। अब हम कहाँ 0 बना सकते हैं, सेकेंड और थर्ड में देखिए, तो हम रो थर्ड माइनस रो 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी 1 2 -1 3 0 0 -2 - 1, हमने 3 में चेंज किया है, इनको माइनस करेंगे तो 0 0 ऑलरेडी है, इसमें से माइनस किया 0 एंड 0, ठीक है। नाउ और कहाँ 0 बना सकते हैं हम, ऐसे 0 बनानी है कि हमारे पास ये 0 इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा नंबर, बाकी देखिए कहाँ कैसे बनाएंगे हम, इसको कर लीजिए यहाँ, या फिर आप यहाँ पे भी 0 बना सकते हो, इसमें कॉलम थर्ड में ऐड कर देते हैं कॉलम फर्स्ट, ठीक है, और कॉलम फोर्थ में ये 0 इफेक्ट नहीं होंगी इससे, है ना, कॉलम फोर्थ को कर लेंगे कॉलम 4 - 3 C1, तो ए मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगी आपके पास 1 0 0, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकेंड इज ऑल्सो एज इट इज़, थर्ड में आपके पास इसमें ऐड करेंगे तो 0 आ गए, और इसमें ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा 0, और इसको इस हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस करेंगे दिस इज ऑल्सो 0, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 0 है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए कैसे बना सकते हैं 0, यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेती हूँ तो मेरा यहाँ पे 0 आ जाएगा, ओके। ऐड कॉलम सेकंड को, कॉलम सेकंड
इसमें चेंज करेंगे हम, कॉलम फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो कॉलम सेकंड माइनस 2C1 एंड कॉलम फोर्थ थर्ड प्लस 2C4। कॉलम फोर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगी आपके पास, कॉलम फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, कॉलम सेकंड में हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 0 और ये हमारे 0 ही रहेंगे। एंड थर्ड में चेंज आ रहा है 3 प्लस 2C4, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा और फोर्थ कॉलम इज एज इट इज, समझ गए। तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम लगाते हैं, इसको प्लस 1 बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कर दिया C4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, हमें इसको प्लस 1 बनाना है, तो C4 का मैं माइनस से अप्लाई कर देती हूँ, तो A इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास 1 0 0 0 0 0, दिस इज ऑल्सो 0 एंड 0 1 0, ये आ जाएगा। अब हम रिप्लेस कर देते हैं कॉलम सेकंड एंड कॉलम 2 को, तो यहाँ से कॉलम 2 इंटरचेंज बाय कॉलम फोर्थ, तो ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इसके इक्वल आ जाएगी, ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट, चलो यहाँ लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगी आपके पास, हमने ऑपरेशन अप्लाई किया 2 इंटरचेंज बाय 4 1 0 0, फिर हम फोर्थ कॉलम ले आएंगे यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे आ जाएगा और सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया आपके पास नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए 1 0 0 1, दिस इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये ए को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, I2, ये हमारी I2 हो गई है, दिस इज 0 मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, दिस इज 0 मैट्रिक्स 1 क्रॉस 2, दिस इज ऑल्सो 0 मैट्रिक्स 1 क्रॉस 2, ठीक है। तो हमने 4 नॉर्मल फॉर्म बताई थी, दीज आर द 4 नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो फर्स्ट फॉर्म के इक्वल आ जाती है आपके पास। यहाँ से हम क्या चेक करते हैं, जो आइडेंटिटी है वो कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। तो ये हम निकालते हैं मैट्रिक्स का रैंक रिड्यूस इन द नॉर्मल फॉर्म, किसी भी मैट्रिक्स को रिड्यूस कर सकते हो आप, जरूरी नहीं कि आपके पास ये फॉर्म आएगी, कहीं पे आपके पास ये फॉर्म बनेगी, कहीं पे ये फॉर्म बनेगी, कहीं पे ओनली आइडेंटिटी भी बनेगी, बट करना आपको ऐसे ही है रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये आप प्लस 2 क्लास में भी कर चुके हो। ए मैट्रिक्स को आप ले सकते हो आइडेंटिटी इनटू ए, मल्टीप्लाई करेंगे वापस ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी, देन यहाँ पे आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो आपके पास ऑपरेशन से ही अप्लाई करने हैं, चाहे रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन। ए को हम चेंज कर देंगे आइडेंटिटी में, जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करोगे वही राइट हैंड साइड पे अप्लाई करने हैं, बट ए को हम रखेंगे एज इट इज, समझ गए। ए मैट्रिक्स की वैल्यू रख देंगे इधर, आइडेंटिटी की वैल्यू रख देंगे, बट ए मैट्रिक्स को हम एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, इसको हम जो भी ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करोगे वही ऑपरेशन हम आइडेंटिटी पे भी अप्लाई करेंगे, तो इधर जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो इक्विवेलेंट हम भी ले लेते हैं और ये ए मैट्रिक्स हमारी एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं आइडेंटिटी आ जाता है, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ दिस या फिर दिस मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ दिस, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो बी इनवर्स इस तरह से फाइंड आउट करना है हमें कि एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 2 1 माइनस 1 एंड नेक्स्ट इज -1 2 1, हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। तो ए को हमने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू ए, यहाँ पे हम ए की वैल्यू रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 1 माइनस 1 2 2 1 माइनस 1 एंड -1 2 1,
दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या होता है, क्योंकि 3x3 की है तो आपको आइडेंटिटी भी 3x3 की ही लेनी है, 100 010 001। अगर मैट्रिक्स आपके पास 2x2 की है तो आइडेंटिटी भी 2x2 की ही लेनी है। इनटू ए रखते एज इट इज़। अब हम ऑपरेशन अप्लाई करते जाएंगे दिस मैट्रिक्स, जो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करोगे भाई आप इस पे भी अप्लाई करोगे, ए रहेगा एज इट इज़। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी बनाना है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बनाओगे तो ऑपरेशंस कैसे अप्लाई, जैसे हमारे पास लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, हमें इन दो नंबर्स को 0 बनाना है, तो हम ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं R2 R2 प्लस R1 ऐड कर देंगे, एंड नेक्स्ट ऑपरेशन इज R3 R3 माइनस 2 R1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 2 माइनस 1 एज इट इज़। इसमें हमने इसको ऐड किया है 0, यहाँ पे ऐड करेंगे 3, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1। ठीक है, देन R3 में क्या चेंज आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है 0, 4 हो गया यहाँ पे, -1 -4 इज अ -5, एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, 2 -2, और इसको माइनस करेंगे तो -2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सेम ऑपरेशन आपको आइडेंटिटी पे भी अप्लाई करने हैं, तो ये आ जाएगा R2 प्लस R1 करना है, ये एज इट इज़ प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें थर्ड में से माइनस करना है, तो 0 माइनस 2 इज अ -2, यहाँ पे 0 0 आ जाएंगे, और यहाँ पे 1 है तो 1 एज इट इज़, इन टू रहेगा ए। ठीक है, तो इस तरह से अप्लाई करते करते हमें यहाँ पे आइडेंटिटी बनाना है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या अप्लाई कर सकते हो, 0 बनाएंगे तो हम यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, रो ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 बना सकते हैं, यहाँ पे भी 0 बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 आए हुए हैं, तो इसको आप लिख सकते हो कॉलम 2 माइनस 2 C1 एंड कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। तो यहाँ पे 2 प्लेस हमारे 0 आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट इज 1 0 0 2 2 में चेंज किया है हमने, हाँ जी, तो ये 0 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0s है, यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे 0, इसको ऐड करेंगे 1, इसको ऐड करेंगे इज ऑल्सो 3। ठीक है, इक्वल टू आइडेंटिटी क्या आएगी आपके पास, इसमें क्या चेंज हो रहा है मैट्रिक्स में, C2 माइनस 2 C1 दिस इज 2C1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से माइनस कीजिए, तो फर्स्ट तो एज इट इज़ हो गया हमारा, 0 माइनस 1 इज -2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया ना, -2 एंड -2 1 -2 इज 3, क्योंकि माइनस ये हो गया 2, 1 में से माइनस, अच्छा -2 आएगा, ये यहाँ पे हो गया 2, 1 में से 2 माइनस करेंगे -1, यहाँ पे -4 और 0 में से 4 आ जाएगा, और 3 में हमें फर्स्ट कॉलम ऐड कर देना है 1 1 -1 इनटू में ए मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ हमें यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 कैसे बना सकते हैं हम, कॉलम फर्स्ट सेकंड कॉलम की हेल्प से बना लीजिए, रो थर्ड, यहाँ पे हमें चाहिए 1, तो इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, कॉलम जो रो 3 है -3 रो 2। ठीक है, एंड और बाद में देखेंगे कैसे बनेगा, दिस इज़ 1 0 0 0 3 1 एंड 3 को हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 9 जो आपके पास ऐड माइनस करना है -5 -9। ठीक है, तो -14 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0, R3 माइनस R2। ठीक है, सेम टू सेम ऑपरेशन आप अप्लाई कीजिए राइट हैंड साइड में। ओके, तो फर्स्ट रो इज एज इट इज -2 1, नेक्स्ट इज -1 1, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -2 -3 इज अ -5 एंड 3 इज अ, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 3 इज अ 7 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 -3 -4 इंटू
ए चल रहा है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इसको और इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, या तो ऐसा कर लो कि इसको इसको इंटरचेंज कर लो, या फिर यहाँ पे जीरो बना लो। पहले हमें करना है कॉलम टू माइनस थ्री कॉलम थ्री, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम टू में माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा हमारा। अच्छा, जीरो नहीं बनाना हमें, यहाँ पे वन चाहिए भाई, ये ऑपरेशन नहीं लगाएंगे हम। देखिए पहले इसको इंटरचेंज कर लीजिए, कॉलम टू इंटरचेंज बाय कॉलम थ्री, यहाँ से कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो 100, ये कॉलम हमारा यहाँ पे आ जाएगा एंड 03 माइनस 14 ये यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 11 माइनस 5, 11 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 1 7, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस 14, यानी यहाँ पे हमें प्लस 1 चाहिए। तो यहाँ पे आप 0 कैसे बना सकते हो, कॉलम 3 को हम माइनस कर देंगे 3 कॉल सी 2 से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, हमें यहाँ पे 1 चाहिए। तो नेक्स्ट हम जब आपके पास मैट्रिसेस आ जाएंगी तो नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे जो आपके पास रो 3 है उसको डिवाइड कर देंगे 1 बाय माइनस 14 से रो 3 को, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। जब ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर हम ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इस ऑपरेशन से यहाँ पे 0 बन जाएगी। तो इधर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। और इधर जो मैट्रिक्स चल रही है एंड इनटू में ए चल रहा है, तो दिस मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ ए। तो ये आपके निकालते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके मैट्रिक्स का इनवर्स। टू कैलकुलेट मैट्राइसिस पी एंड क्यू, वेयर पी ए क्यू इज इन द नॉर्मल फॉर्म। अगर पी ए क्यू इस तरह से दे रखे हैं, बी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय क्यू, इनका रिजल्ट अगर नॉर्मल फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो आप पी और क्यू जो है मैट्रिक्स फाइंड आउट कीजिए। और पी और क्यू यहाँ पे कैसी मैट्रिक्स होती है, पी एंड क्यू आर नॉन सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल से देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। फाइंड मैट्रिक्स पी एंड क्यू वेयर पी ए क्यू इन द नॉर्मल फॉर्म। ये हमें गिवन है कि पी ए क्यू इन the normal form and A matrix आपके पास given है, A matrix is 2 2 minus 6 and second row ले लेते -1 2 and 2, ये आपके पास given है। यहाँ पर जब आप pure Q matrix find out करते हो तो A का order matter करता है। यहाँ पर order इसका क्या है, 2 rows है आपके पास and 3 columns है, तो 2 cross 3 आपके पास ऑर्डर है दिस, ठीक है। हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पी ए क्यू नॉर्मल फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स ऑर्डर है इसका 2 cross 3, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी आ जाएगा। बट ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर हमारे पास ए का 2 cross 3 है, तो मल्टीप्लाई होल्ड कब करती है, मल्टीप्लाई होल्ड कब करती है, जब इसके आपके पास रोज इसके कॉलम्स, जैसे आपके पास अगर दे रखा हो ए इंटू बी, अगर ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की और बी मैट्रिक्स है एन क्रॉस पी की, तभी आपके पास इसकी होल्ड करती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट आती है वो एम क्रॉस पी की आती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रोज ए की है 2, तो आपको 2 cross 2 से प्री मल्टीप्लाई कर देना है आइडेंटिटी से, ठीक है। और कॉलम्स है आपके पास 3, तो 3 cross 3 से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझ गए। अगर ए पे डिपेंड करेगा, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 cross 4 की, तो इसको आप लिखोगे आइडेंटिटी इंटू ए इंटू आइडेंटिटी, ये 3 cross 4 की है तो ये आइडेंटिटी लेंगे हम 3 cross 3 और ये लेंगे 4 cross 4, ठीक है। क्योंकि हमें प्रोडक्ट इसकी होल्ड करवानी है, तो 3 into 3 और 3 सेम हो गया, यहाँ पे 4 और 4 सेम हो गया,
ठीक है। देन यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, इसी से आइडिया आ जाएगा, प्री मल्टीप्लाई करेंगे जितने रोज हैं उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी से, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे जितने ऑर्डर जितने कॉलम्स हैं उसके ऑर्डर से, ठीक है। तो आई टू की वैल्यू रख दीजिए 1001, 2×2 बन गया यहाँ पे। ए मैट्रिक्स एज इट इज रखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें पी की वैल्यू निकालनी है। ओके, इधर हमारी ए मैट्रिक्स चल रही है और ए मैट्रिक्स की वैल्यू रख देंगे इधर हमारे 2-1, 2-2, -6, 2 एंड ए एज इट इज, और इसको रख देंगे 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आइडेंटिटी, ठीक है। अब हमें दे क्या रखा है कि जो पी ए के वो मल्टीप्लाई है दिस मैट्रिक्स, इसकी मल्टीप्लाई को अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर देती हूँ अप्लाइंग एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस, तो ये मैट्रिक्स जो रिड्यूस होगी वो पी में हो जाएगी और ये जिसकी वैल्यू आएगी इसको हम क्यू ले सकते हैं। तो मेन चीज़ हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म जैसे मैं आई आर 0 इस तरह से इसको चेंज कर दें, यानी हमें आइडेंटिटी बनानी है, समझ गए। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी बनाते हैं, तो सबसे पहले लीडिंग एलिमेंट देखते हैं, लीडिंग एलिमेंट हमारे पास 2 है, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, रो फर्स्ट 1/2 रो फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1, -3, -1, 2, 2 एज इट। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेशन अप्लाई किया, अब राइट हैंड साइड पे किस पे ऑपरेशन अप्लाई करना है ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे वो आप करोगे फ्री मल्टीप्लाई यानी कि इस मैट्रिक्स पे, और जो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे वो आप करोगे 3×3 मैट्रिक्स पे अप्लाई, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे अभी मैंने रो ऑपरेशन अप्लाई किया तो मैं सिर्फ इस पे अप्लाई करूँगी, ये हमारी एज इट इज चलेगी। तो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, हमने 2 से डिवाइड किया ना फर्स्ट रो को 1/2, 0, 1, ठीक है ए, और ये हमारी एज इट इज़ रहेगी, इसको नहीं छेड़ना है यहाँ पे। जो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे तब हम इसको चेंज करेंगे, समझ गए। नेक्स्ट टाइम देखें हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो यहाँ पे हम 0 बना लेते हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड को माइनस कर लेते हैं, तो कॉलम सेकंड माइनस कॉलम फर्स्ट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉलम हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 1-1, 0 हम माइनस कर रहे हैं, और 2-1 इज 3 एंड -3, 2 एज इट इज आ जाएगा। अभी हमने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया तो हम इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे, ये हमारी एज इट इज चलेगी 1/2, 0, 0, 1, ये हमारी एज इट इज चलेगी। अप्लाई करेंगे हम राइट हैंड साइड जो ये पोस्ट मल्टीप्लाई है, ठीक है, हमें क्या करना है 2 में चेंज करना है कॉलम 2 -कॉलम 3, तो 1 हमारा फर्स्ट हमारा एज इट इज रहेगा, ऐड करेंगे इसमें सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0-1 इज -1, 1, 0, 0, 0, 1, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्योंकि यहाँ पे हम आइडेंटिटी बना रहे हैं तो जितनी 0 बन सकते हैं उतनी 0 बनाइए, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सॉरी रो फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लेते हैं, रो फर्स्ट सेकंड में चेंज करो सेकंड प्लस रो फर्स्ट, तो ये आ जाएगा 1, 0, 0 हो गया, 0, 3 एंड -3 और ऐड करेंगे तो -1। इधर ऑपरेशन किस पे अप्लाई करेंगे, ओनली दिस मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमें दोनों को ऐड कर देना है 0, 1/2 ए, और ये हमारी एज इट इज चलेगी 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हमें 0 तो यहाँ पे भी चाहिए, बट पहले हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, और 0 हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो या तो इसको पहले यहाँ पे 0 बना लीजिए फिर यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको 0 बनाएंगे तो क्या करते हैं कॉलम 3 में कॉलम 3+3C1 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे 1, 0, 0, 3 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 दिस इज -1 एज इट इज़, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ये हमारी एज इट इज चलेगी 1/2, 0, 1/2, 1 ए इंटू ये आप अप्लाई करोगे पोस्ट मल्टीप्लाई यानी कि 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स पे, तो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो कॉलम 3 को इस फर्स्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई है इसमें ऐड किया है, तो ये हमारे एज इट इज चलेंगे -1, 1, 0 इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 3, 0, 1, ठीक है। नाउ
ये हमारा ज़ीरो हो गया। हाँ जी दिस इज़, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। कॉलम टू प्लस कॉलम 3 से 3, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास 1003 एंड 2 में, अच्छा 2 में चेंज करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 0-1, ठीक है। यहाँ से ये एज इट इज़ रहेगा 1/20, 1/21, ए इंटू ये कॉलम ऑपरेशन अप्लाई होगा दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज़ लेना है 100, कॉलम 2 में चेंज करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर देंगे, तो 3×3=9 और ऐड करेंगे तो 8 हो गया। यहाँ पे 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 8 करें, ये 3 आ जाएगा 301, ठीक है। नाउ इसको इंटरचेंज कर लो कॉलम 3 को कॉलम 2 से, या फिर पहले ऐसे ऑपरेशन कर लो कि कॉलम 3 यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, कॉलम 3 को -1 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉलम 3 C3×-1, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड 100001, क्योंकि माइनस था पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0.5, 0.5, 1, ए इंटू कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं हम, सिर्फ इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो 100803-3, 0-1, ठीक है। अब हमें इसको इंटरचेंज करना है क्योंकि हमें बनाना है इसकी नॉर्मल फॉर्म, तो कॉलम 2 इंटरचेंज बाय कॉलम 3, तो यहाँ आ जाएगा 1001, फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 10 और ये यहाँ पे ले आएंगे 01, दिस इज 00, इक्वल टू ये एज इट इज़ रहेगी 1×A, ये ऑपरेशन कॉलम हम इस पर अप्लाई करेंगे, तो कॉलम थर्ड और सेकंड को इंटर, थर्ड और सेकंड छेड़ना में, तो ये इस इधर आ जाएगा -3, 0, 1, ये इंटरचेंज कर देंगे 3 दिस। अब देखिए यहाँ पे ये बन गई हमारी नॉर्मल फॉर्म IR0 या R की वैल्यू 2, 2×2 ऑर्डर की है, I2×, ये हमारी 0 मैट्रिक्स, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगी मैट्रिक्स P A और ये वैल्यू हो जाएगी क्यों, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करोगे, आपको सिर्फ इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, ऑपरेशन आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हो, हम कहीं से भी कोई भी ऑपरेशन पहले आगे पीछे लगा सकते हैं, तो मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं आपके भी सेम आए, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन सही होने चाहिए और यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म बनने चाहिए, तो ये पी मैट्रिक्स हो जाएगी, क्यू मैट्रिक्स हो जाएगी। एक्सरसाइज 2.3 के ऑल कॉन्सेप्ट आर क्लियर, तो हर एक कंसेप्ट मैंने पूरा डिटेल में करवाया है आपको, तो आप एक्सरसाइज इजीली ट्राई कर सकते हो एंड विद एग्जांपल आप इसको ट्राई करना, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है, तो आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।